ओके, वेलकम टू ई लर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 6 CBSE क्लास की ग्रामर का जो टॉपिक है फर्स्ट सेंटेंस वो देखेंगे। यू हैव द वर्कबुक ऑफ बाविक पब्लिकेशन अ व्यू ऑफ इंग्लिश ग्रामर पार्ट 6। आई विल सेंड यू द एक्सरसाइज पिक्चर्स ऑफ दैट चैप्टर, बट हम लोग इसमें से चैप्टर को समझेंगे। सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सेंटेंस क्या होता है कि जो शब्दों से बना होता है। वी यूज़ द वर्ड, वी स्पीक और राइट, यूजुअली ग्रुप्ड इन अ करेक्ट ऑर्डर, जो करेक्ट ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, मैं सेंटेंस बोलती हूँ कि काउ गिव्स अस अ मिल्क। ठीक है, तो एक सेंटेंस है जिसको ग्रुप ऑफ ऑर्डर में वर्ड में मैं बोलती हूँ तो तुम्हें समझ में आता है दैट काउ हमें जो भी है मिल्क देती है। ठीक है, गिव्स अस अ मिल्क, तो ये एक सेंटेंस है जिसको करेक्ट फॉर्म में मैंने वर्ड को रखा है। तो सेंटेंस के भी टाइप होते हैं। ठीक है, देर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो तुम्हारी बुक में दिए गए हैं। सेंटेंस के 4 टाइप्स होते हैं। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट आर कैप्ट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर टू मेक अ कम्प्लीट सेंटेंस। ये एक सेंटेंस की डेफिनेशन है कि सेंटेंस क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि पर्टिकुलर ऑर्डर में सेंटेंस को कंप्लीट करता है और सेंस जो है उसका वो कंप्लीट करता है। देखो, सेंटेंस के 4 टाइप्स है। देर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट है एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव मतलब जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, वी कॉल्ड इट अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऑल्सो, व्हाट वी कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। देन सेकंड इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें WH वाले सेंटेंस होते हैं, दैट वी आस्क द क्वेश्चन, दैट वी कॉल्ड अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड वन है इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। एंड फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हम बारी बारी से सब सेंटेंस देखेंगे। फर्स्ट है एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव का मीनिंग ये होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें सिंपल सेंटेंस हो गए जो कि एसेशन क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन द वॉल, इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस, हकार जिसको हम बोलते हैं। सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वॉट, WH वाले जो भी है, वॉट, विच, वैन, वू, हूज, ये सारे, फिर हाउ, ठीक है, ये सारे, दोस्त, ये सब वर्ड्स जो है वो उसमें आएंगे। ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम, तो दिस इज कॉल्ड द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन योर टेक्स्ट बुक देर इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑल्सो, सो यू हैव टू स्टडी दैट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसमें हैव से भी क्वेश्चन होता है। ठीक है, हैव और यू से भी, जैसे कि हैव यू अंडरस्टैंड द सम, हैव यू अंडरस्टैंड माई ग्रामर टॉपिक, तो ये मैं क्वेश्चन कर रही हूँ। ठीक है, पीछे क्वेश्चन मार्क जो है उसका पंक्चुएशन आएगा इन अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबको समझ में आ रहा है, डू यू लाइक मी, ओके, डू और डज वाले होते हैं जो भी, ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, बिगेन द वॉट, डू, डज, ठीक है, बीच, ये सारे जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएंगे। देन थर्ड वन है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, उसमें तुम्हें तीन चीज़ें याद रखनी है। इन अ इम्पेरेटिव सेंटेंस देयर इज अ कमांड, कमांड देना, फिर है एडवाइस देना, फिर रिक्वेस्ट देना, रिक्वेस्ट करना। ठीक है, ये सब चीज़ें इम्पेरेटिव सेंटेंस में आएगी। जिसे मैं तुम्हें बोल रही हूँ कम इन क्लास, ठीक है, क्लास में आ जाओ, तो मैं तुम्हें कमांड दे रही हूँ। ठीक है, फिर मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ दैट विल यू डू मी अ फेवर प्लीज़, विल यू गिव मी अ पेन प्लीज़, ठीक है, क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो, क्या तुम मुझे पेन दे सकते हो, तो मैं ये एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, फिर है यू शुड डू योर ड्यूटी और योर ड्यूटी एडवाइस, मैं एडवाइस दे रही हूँ तुम्हें कि तुम्हें अपनी ड्यूटी करनी होगी या करनी चाहिए। देखो यहाँ पे दिया है बी क्वाइट, तो बी क्वाइट क्या है, एक कमांड है, चुप रहो, शांत रहो। ठीक है, हैव अ मर्सी ऑन मी, मर्सी मतलब ये एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द इम्पेरेटिव सेंटेंस। एंड फोर्थ वन है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट ऑर्डर में होगे वर्ड। ठीक है, नॉर्मल जो वर्ड होते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होगे और इसमें आश्चर्य की बात होगी। जैसे यहाँ पे दिया है आश्चर्य की बात होगी, जैसे हाउ वार्म द डे, कितना गर्म या ठंडा दिन है। ठीक है, फिर व्हाट अ शेमफुल बिहेवियर, कितना शेमफुल बिहेवियर है, इसमें द
दोनों टाइप से हो गए, मतलब पॉजिटिव वे में भी हो गए, जैसे हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इट इज़, व्हाट अ नाइस प्रेजेंट इट इज़, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़, हाउ वंडरफुल शी लुक, ओके, हाउ वंडरफुल ड्रेस इट इज़। तो ये सारे जिसमें हमें पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, एक्सक्लेमेटरी का दिख रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क बिहेवियर के पीछे, देखो ठीक है, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा इसमें, जिससे हम बोलते हैं ना कि कितना सुंदर चित्र है, कितनी सुंदर जगह है, ठीक है, कितना सुंदर ड्रेस है, तो ये सब हो जाएंगे एक्सक्लेमेशन मार्क से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, यहाँ तक हमने फोर टाइप की सेंटेंस देख लिए हैं जो कि तुम्हारी वर्कबुक में भी है, ठीक है, जिसको रीअरेंज करना है, फिर तुम्हें बताना है कि जिसमें ऑर्डर दिया है किसमें परमिशन दी है, ठीक है, उसकी एक्सरसाइज भी दी गई है और क्वेश्चन टैग जो है उसके बाद आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन टैग हम बाद में देखेंगे, पहले हम सिर्फ सेंटेंस को करने वाले हैं कि सेंटेंस के टाइप कितने हैं, कौन सा इंपेरेटिव सेंटेंस है, कौन सा इंट्रोगेटिव है, ठीक है, कौन सा पॉजिटिव मतलब एसर्टिव सेंटेंस है, ये सब हमने यहाँ पे देख लिया है। अब हमें जो मार्क लगाने हैं एक्सरसाइज वन जो कि तुम्हारी टेक्स्ट बुक में है, वर्कबुक में, ठीक है, उसमें हमें मार्क लगाने हैं कि कंप्लीट सेंस हो रहा है कि नहीं क्रिएट हो रहा है, ठीक है, अगर कंप्लीट सेंस हो रहा है तो वी हैव पुट अ राइट मार्क, कंप्लीट सेंस क्रिएट नहीं हो रहा है तो वी हैव पुट द क्रॉस मार्क्स, ओके, आई विल सेंड यू द एक्सरसाइज फोटो। नाउ वी कैन सी द एवरी सेंटेंस टू पार्ट्स, ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये शायद तुम्हें फिफ्थ स्टैंडर्ड में इससे फेमिलियर हो चुके हो, बट फिर से हम एक बार सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, देखो सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, जिससे हमें जो पर्सन है और थिंग्स है उसको हम नेम देते हैं कुछ, जैसे कि शी है, मीना है, सीता है, ये सब सब्जेक्ट है, काउ है तो ये भी सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सब सब्जेक्ट है, और से समथिंग अबाउट द पर्सन और थिंग वो है हमारा प्रेडिकेट, ठीक है। तो प्रेडिकेट और सब्जेक्ट क्या है उसकी एक्सरसाइज है, देखो यहाँ पे एग्जांपल दिए कि सुरेश रन्स, तो सुरेश जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, रन क्या है, प्रेडिकेट है, ठीक है, बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स क्या है, सब्जेक्ट है, और फ्लाई क्या है, प्रेडिकेट है, गर्ल्स प्ले, गर्ल क्या है, सब्जेक्ट है, प्ले क्या है, प्रेडिकेट है, माई ब्रदर, माई ब्रदर क्या है, सब्जेक्ट है, मेरा भाई, पास्ट द एग्जामिनेशन क्या है, प्रेडिकेट है, ईट क्या है, सब्जेक्ट है, इज वेरी कोल्ड प्रेडिकेट है, इट इज़ वेरी कोल्ड, ठीक है, द डॉग्स बार्क एट नाइट, डॉग्स क्या है, कुत्ते भौंक रहे, डॉग्स सब्जेक्ट है और बार्क एट नाइट इज अ प्रेडिकेट। The subject of sentence usually comes first but occasionally put after the predicate also. देखो here comes the bus, देखो बाद में भी subject आ सकता है कि bus क्या है, हमारा subject है, bus आई, ठीक है, फिर देखो sweets are the uses of adversity, ठीक है, तो इसमें भी ऐसा है। However in imperative sentence the subject is left out, इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लेफ्ट आउट होता है जी, देखो जैसे सीट डाउन, हियर द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड, कि यू सब्जेक्ट है, मुझे बोला गया है, तुम्हें बोला गया है कि बैठ जाओ, तो तुम्हें बोला सीट डाउन, तो उसमें सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें ऐड कर देना है यू इज द सब्जेक्ट, जैसे थैंक हिम, ठीक है, उसे थैंक यू करो, हियर टू द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड द फ्रेज। इन द फॉलोइंग सेंटेंस दिख रहा है द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इटैलिक्स आर फ्रेजी ब्रेजिस, दिस यूजुअली डू नॉट हैव द सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जैसे यहाँ पे द हॉनेस्टी पेस इन द लॉन्ग रन, ये सब एग्जाम्पल दिए तुम्हें, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन क्या है, सब्जेक्ट है, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट इज नॉट अ बेड ऑफ रोज, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, शो मी, मी क्या है, सब्जेक्ट, इट वॉज द सन ऑफ ग्रे ब्यूटी, ठीक है, यहाँ पे देखो सेपरेट करना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को, उसकी एक्सरसाइज दी गई है, हम पहले एक्सरसाइज करेंगे इसकी, ठीक है, देखो इसके आंसर भी तुम्हें दी गए हैं, तुम्हें फर्स्ट ऐसे एक्सरसाइज हम करेंगे, जैसे द बॉय स्टूड ऑन द लास्ट बेंच, इसमें सब्जेक्ट क्या है, द बॉय, स्टूड ऑन लास्ट बेंच क्या है, स्टूड ऑन
वो द बॉय और लास्ट बेंच दोनों सब्जेक्ट और वो है प्रेडिकेट दिख रहा है। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स मेक मी हैप्पी, द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स क्या है सब्जेक्ट और है मेक्स बनाना क्या है प्रेडिकेट। ठीक है, फिर है अ गुड बॉय पास द एग्जामिनेशन, अ गुड बॉय क्या है सब्जेक्ट, द एग्जामिनेशन सब्जेक्ट और पास्ट क्या है प्रेडिकेट। ठीक है, फिर है देखो इट इज़ वेरी हॉट, ईट और हॉट क्या है सब्जेक्ट और वेरी इज और वेरी क्या है प्रेडिकेट। ठीक है, उसके बाद है देखो द काऊ गिव्स अस अ मिल्क, काऊ क्या है हमारा काऊ और मिल्क सब्जेक्ट है और गिव्स अस क्या है हमें दे रही है प्रेडिकेट है। ठीक है, फिर देखो उसके बाद है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ और सन क्या है अराउंड द सन क्या है सब्जेक्ट। ठीक है, और रिवॉल्व्स क्या है प्रेडिकेट। फिर देखो एडिसन इन्वेंटेड द फोटोग्राफ, एडिसन और फोटोग्राफ क्या है सब्जेक्ट और इन्वेंटेड इन्वेंशन किया है क्या है प्रेडिकेट। ठीक है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली और इंडिया क्या है कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है सब्जेक्ट और इज द क्या है हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, फिर वी कैन नॉट मेक द ओशियन ड्राई, तो यहाँ पे ओशियन और मी और ये क्या है ओशियन ड्राई क्या है सब्जेक्ट और कैन नॉट क्या है प्रेडिकेट। फिर देखो नो मैन कैन सर्व टू मास्टर, ठीक है, तो नो मैन और टू मास्टर हमारा सब्जेक्ट है और कैन सर्व क्या है प्रेडिकेट है। ये एक्सरसाइज वन हमने की, अब एक्सरसाइज टू में ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है, इसमें हमें सब्जेक्ट को इंसर्ट करना है, डालना है खुद से, वी हैव टू पुट द सब्जेक्ट बाय अवर ओन सेल्फ। देखो यहाँ पे फर्स्ट है बार्क एट नाइट, तो हमें पता है कौन बार्क करता है डॉग्स, तो डॉग्स बार्क एट नाइट। ब्लैंक सेट्स इन द वेस्ट, सन सेट इन द वेस्ट। काउ गिव्स अस अ मिल्क, ब्लैंक इज क्लाउडी टुडे, ईट होगा ठीक है इसमें, इट इज क्लाउडी टुडे। देन फ्लाई, ब्लैंक फ्लाई इन द एयर, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। फिर है ब्लैंक स्लीप ऑन द रूफ एट द नाइट, तो बर्ड्स स्लीप ऑन द रूफ एट द नाइट। ठीक है, फिर है ब्लैंक ई, ब्लैंक एम इन अ हरी, तो क्या आएगा दे एम इन अ हरी, आई एम इन द हरी। उसके बाद है ब्लैंक ओपन एट द 10 o'clock इन द मॉर्निंग, दिस शॉप ओपन एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग। ब्लैंक्स आर प्लेइंग फुटबॉल, बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। ही ग्रीटेड मी विद अ स्वीट स्माइल, ही ग्रीटेड वो मेरे सामने स्वीट स्माइल दे रहा था, ही या शी तुम्हें जो भी लगाना है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो प्रेडिकेट एंटर करना है, जैसे हमने अभी सब्जेक्ट एंटर किए ना वैसे खुद से हमें प्रेडिकेट एंटर करने हैं एक्सरसाइज थर्ड में। देखो द मून अपियर्स एट नाइट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द क्राउ सिटिंग और फ्लाइंग इन द स्काई हो सकता है, सिटिंग ऑन द ट्री हो सकता है, सैट ऑन द ट्री हो सकता है। ठीक है, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर और बार्क एट द नाइट भी हो सकता है। द रोजेस, तो रोजेस के लिए हैव अ स्वीट स्मेल हो सकता है और रोजेस आर लुकिंग ब्यूटीफुल हो सकता है, फ्रेश हो सकता है, कुछ भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, स्टार्स जो है लुक्स ब्यूटीफुल इन द नाइट, बहुत अच्छे लगते हैं रात में। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, काउज जो है गिव्स अस अ मिल्क। फिर द डोर वॉज क्लोज इन द नाइट, द प्यून हैज टू वर्क वेरी हार्ड। तो ये सारे हमने प्रेडिकेट खुद से ऐड करना है जो सेंटेंस का सेंस क्लियर करे। उसके बाद है सेंटेंस के टाइप बताने, जो हमने अभी सेंटेंस पढ़े ना उसकी एक्सरसाइज है। ठीक है, उसकी टाइप बताने है। चलो प्लीज़ लेट मी वर्क, प्लीज़ है रिक्वेस्ट है, कौन सा आएगा इम्पेरेटिव सेंटेंस, रिक्वेस्ट कमांड और एडवाइस के लिए। फिर सेकंड है द बॉयज मे, चलो द बॉयज मेक्स अ नॉइस, बॉयज आवाज़ कर रहे, पॉजिटिव सेंटेंस है एसर्टिव। ठीक है, स्टैंड अप मैंने कमांड किया इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, फिर व्हाट अ क्लेवर गर्ल यू आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वेयर डू यू लिव कौन सा आएगा इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तुम कहाँ रहते हो क्वेश्चन पूछ रहे। व्हाट अ हॉरिबल साइट इज वॉज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, माय फादर इज अ बैंक एम्प्लॉय एसर्टिव सेंटेंस, चिल्ड्रन लाइक अ स्वीट एसर्टिव सेंटेंस, हु इज एट द डोर तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डोंट मेक अ नॉइस ये मैंने इम्पेरेटिव सेंटेंस एडवाइस दी है।
ठीके की आवाज़ नहीं करनी है। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज ऑफ सेंटेंस। हमने साथ में प्रेडिकेट और सब्जेक्ट भी पढ़े और उसकी भी एक्सरसाइज कर ली है। ठीक है, आई विल सेंड यू द क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज के जो भी आंसर है बुक के उसके फोटोग्राफ में सेंड करने वाली हूँ। यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक। ओके, और जो भी बुक में एक्सरसाइज है उसको पेंसिल से करना है, जो छोटी एक्सरसाइज है वो, और जो बड़ी एक्सरसाइज है वो ही सिर्फ नोटबुक में लिखनी है। और चैप्टर जो है बुक में उसकी जो भी डेफिनेशन दी है, एग्जाम्पल दिए हैं, वो सब कुछ नोटबुक में, ग्रामर की नोटबुक बना के लिखना है।